हे नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशुतोष। तो आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग बात करने जाएंगे मेरे यूट्यूब के फर्स्ट इनकम के बारे में। तो चले फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप टाइटल देख ही चुके होंगे और वीडियो का मकसद भी हम लोग का यही है कि मैं आपको आपका अपना YouTube का फर्स्ट पेमेंट दिखाऊं और बताऊं कि मेरे को क्या मिला, कितना मिला, कैसे मिला और क्या कठिनाई आती है और क्या नहीं आती है पेमेंट के बारे से, पेमेंट से रिलेटेड सारी चीज़ें। तो अगर आप यूट्यूबर हो तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो मेरे हाथ में मेरा फर्स्ट इनकम है यूट्यूब से। आप जैसे कि देख सकते हो ये सिर्फ मेरा ये फर्स्ट इनकम है इस बार का जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये मेरे को मिला है, मतलब ये मेरे का एक साल की कमाई बोल सकते हो, मतलब एक साल मेरे को लग गया यूट्यूब से फर्स्ट पेमेंट निकालने के लिए, ठीक है। और ये मैंने कितने पे निकाला है, तो ये मैंने $120 निकाला है, ठीक है। अगर चाहता तो $100 पे अगर मैं करता तो वो पहले ही निकल जाता, पर मैंने $120 पे इसे मैंने निकाला है, ठीक है। और तो ये मेरे को मतलब दिसंबर में ही रिलीज़ कर दिया गया था, ये मेरे को रिलीज़ किया गया था 21 दिसंबर को, जैसा कि आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो 21 दिसंबर को ये रिलीज़ किया गया था, ठीक है। और ये कितना मेरे को मिला, तो मेरे को मिला भाई मैं आपको बता देता हूँ, हाँ तो ये मेरे को मिला 8,157 रुपये के आसपास, मतलब 8,157 के आसपास ये मेरे को मिला। टोटल अगर मैं बात करूं तो ये कन्वर्ट करने के बाद $120 का होता है 8,428 रुपये, उसे मतलब आप बोल सकते हो जो टैक्स ये सब कटता है ये सारे चीज़ें होने के बाद मेरे को मिली हैं, तो 271 रुपये के आसपास आप मान के चलो, 270 जितने भी होते हैं बीच में ये आपके बैंक के तरफ से काटे जाते हैं या टैक्स जितना भी होता है वो टैक्स कटता है, ठीक है। तो ये मेरे को जैसे कि मैं बोल रहा हूँ 21 दिसंबर को ये मेरे को रिलीज़ कर दिया गया, जैसे कि आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो यूट्यूब गूगल एडसेंस के तरफ से मेरे को मेल आया कि आपका जो पेमेंट है वो रिलीज़ कर दिया गया है। और ये जो पेमेंट मेरे को मिला है वो मेरे को मिला था बैंक में, आपको बता देता हूँ, ये 28 तारीख को मिला था, 12 मतलब दिसंबर में 28 तारीख को मिला था 11:05 के आसपास मेरे को ये मेरे कंपनी के मतलब मेरे बैंक के तरफ से मैसेज आएगा कि आपको बैंक में पैसा मिल गया है, ठीक है। तो ये आपको 21 तारीख को रिलीज़ हुआ और 28 तारीख को पहुंच गया, तो आप देख सकते हो कि डेडलाइन कितना टाइम लगता है। तो ये बीच में कुछ दिन छुट्टी थी मैं बोलूँगा, शायद इसके कारण ये बैंक की तरफ से डिले हो गया, नहीं तो ये बैंक की तरफ से डिले नहीं होता। आपको 21 से 22 तारीख के बीच में पेमेंट रिलीज़ कर दिया जाता है और उसके बाद आपको 1 से 2 दिन वर्किंग डेज लगते हैं, क्योंकि वायर ट्रांसफ़र के द्वारा आपके बैंक में पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है, तो 1 से 2 दिन के अंदर आपके बैंक में वो पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है। मेरे को क्या दिक्कत आई, तो मेरे को बस एक दिक्कत आई बैंक को ढूंढने में, क्योंकि कुछ बैंक जैसे कि आपको पता है कि कुछ बैंक आपके इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो सबसे पहले मेरे को मतलब उसके अंदर जो मेरा नॉर्मल बैंक का प्रोसीजर पिन ये सब देना होता है, IFSC कोड होता है, फिर आपका अकाउंट नंबर ये सब, तो ये सारा डाल देने के बाद मेरे को स्विफ्ट की का ज़रूरत था। तो स्विफ्ट की आप जानते हो कि पासबुक में वो लिखा नहीं रहता है, या तो आपको आपके ब्रांच ऑफिस में जाना होगा जहाँ पे आपका बैंक का ब्रांच है वहाँ जाना होगा, नहीं तो फिर आप नेट से पता कर सकते हो। पर मैंने ज़्यादा अच्छा प्रेफर किया कि मैंने कस्टमर केयर के PNB का मेरा बैंक था, तो PNB के कस्टमर केयर को मैंने कॉल किया और उनसे मैंने मतलब ब्रांच के बारे में पूछा कि इस ब्रांच का क्या ये ब्रांच इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट करता है, तो उन्होंने बोला कि हाँ भाई ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट करता है। तो फिर मैंने पूछा भाई कि स्विफ्ट की क्या है उसके स्विफ्ट कोड जो, तो उन्होंने कुछ देर वेट करवाया, उसके बाद उन्होंने सिंपली स्विफ्ट कोड बता दिया। तो आपको मेन होता है वो ज़रूरी होता है वो स्विफ्ट कोड आपको फिलअप करना होगा, क्योंकि अगर वो स्विफ्ट कोड नहीं होगा तो वो उसके मतलब स्विफ्ट कोड के बिना वो तो पहले एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि स्विफ्ट कोड जैसे कि IFSC कोड होता है जिससे आपका एक तरह से कोड होता है जो आपका ट्रांजैक्शन को एक्सचेंज करता है, तो वही इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन मनी को आपको एक्सचेंज करता है स्विफ्ट कोड। स्विफ्ट कोड डालना ज़रूरी होता है, नहीं तो उसके बिना आपका फॉर्म फिलअप नहीं होगा ये गूगल एडसेंस का, ठीक है। तो मैंने इस बार थ्रेश होल्ड सेट किया था $120 का, अगर मैं $110 मेरे लगता है हाँ दिसंबर से पहले ही कंप्लीट हो गए थे पिछले मंथ में,
और जैसा कि पेमेंट कितने दिन का आपके एडसेंस में लिया जाता है, तो ये 11 तारीख को आपका पेमेंट लिया जाता है, जितना भी आपका यूट्यूब से इनकम होगा उसे वहाँ से ले लिया जाता है, और एडसेंस में आपका वहाँ पे जो फाइनल अर्निंग होते हैं वो फाइनल अर्निंग आपको वहाँ पे दिख जाती है, जितना आपको पेमेंट रिलीज किया जाएगा या आपका पेमेंट जितना होगा वो एडसेंस में दिखा दिया जाता है। क्योंकि ऑफ कोर्सली आप जानते हैं कि यूट्यूब में जो आपको वहाँ पे टोटल अर्निंग दिखाते वो टोटली अभी आप बोल नहीं सकते कि 100% करेक्ट होते, क्योंकि वो जिसके अंदर मतलब उतना पैसा दिखाता है उसके बाद उसमें से कुछ कटता है, क्योंकि इनवैलिड एड्स जो होते हैं उन्हें काट लेने, ये सारी चीज़ें करने के बाद एडसेंस आपको वहाँ पे वो टोटल अर्निंग शो होती है। 11 से 13 14 तारीख के आसपास आपको जितने भी हैं सारे आपका अर्निंग वहाँ पे आपके एडसेंस में आ जाता है। उसके बाद 21 तारीख से रिलीज होना स्टार्ट होता है गूगल एडसेंस का, और मैक्सिमम आपको 28 तारीख तक वो रिलीज कर दिया जाता है सारे जगह पे। तो ये आपको एशिया पैसिफिक में हम लोग का आता है, जो क्योंकि आप जैसे कि जानते हो कि सारा जगह का गूगल का अलग अलग ब्रांच है, तो जो आपका पेमेंट रिलीज करता है वो एशिया पैसिफिक रिलीज करता है रीजन में, सारे रीजन में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किया गया एडसेंस का जो आपका पेमेंट रिलीज किया जाता है, तो अमेरिका का अलग है, तो यहाँ पे एशिया पैसिफिक में हम लोग का आता है, तो एशिया पैसिफिक से 21 तारीख को वहाँ से रिलीज कर दिया जाता है सारा पेमेंट। और उसके बाद यहाँ पे आपको जानते हो यूट्यूब मुंबई हेडक्वार्टर जो है वहाँ से फिर आपको सारे जगह पे रिलीज हो जाता है आपका पेमेंट, जितने जगह पे आपका यूट्यूब आपका जैसे ही आपका कंप्लीट होगा तो सारा आपका वहाँ से पैसा रिलीज हो जाएगा। और उसके बाद आप जैसे कि देख सकते हो 21 तारीख से रिलीज होता है, उसके बाद आपका बैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना टाइम लगेगा और क्या होगा, ठीक है। तो मैं आज बहुत खुश हूँ कि मेरा फर्स्ट पेमेंट आ गया, दिल को बहुत सुकून मिल रहा है भाई इतना ज़्यादा काम करने के बाद, और वो सिर्फ आप लोग के वजह से हुआ है। कि मतलब आप सोचो भाई कि 2018 में मैंने जो गोल सेट किया था उससे ज़्यादा आप लोगों ने मेरे को दिया, आज हमारे 6000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं वो भी आप लोगों के वजह से। तो मतलब मैं बोलूँ कि 2018 मेरे लिए बेस्ट गया और सारी चीज़ें मेरे को 2018 में मिल गई वो भी आप लोगों की वजह से भाई लोग, ठीक है। तो यही एडसेंस के बारे में था, और आप लोग पूछ रहे थे कि भाई आपने फर्स्ट पेमेंट से लिया क्या और क्या, तो मैंने आप जिस फ़ोन से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ पोको F1 आप सामने देख सकते हो, तो उसके अंदर टोटल अर्निंग मैंने मतलब उतनी अर्निंग नहीं थी, तो मेरे मतलब मैंने घर से मेरी मम्मी ने पैसा दिया, उसके बाद मैंने इसे ऐड करने के बाद इस मतलब इस के बाद मैंने ये पोको F1 फ़ोन परचेस किया, ठीक है। तो चलिए भाई अर्निंग के बारे में आपको सारा कुछ पता ही चलेगा कि क्या था क्या नहीं था, और इसके बाद बस आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग किस तरह से रिस्पांस देते हो क्या देते हो। तो भाई लोग आपसे दिल से शुक्रिया करता हूँ, क्योंकि आप ही के वजह से मैं हूँ और आप ही के वजह से ये पेमेंट मेरे को मिला है, कि आप लोग मेरे को वीडियो को लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, और जो आप हमारे वीडियो को इतना ज़्यादा प्यार देते हो, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूले, हमारे चैनल को अभी तक हमने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, और हाँ फ्रेंड्स अपना ख्याल रखिएगा, पीस आउट।